शुक्र है यार वीकेंड आया। ओहो काम दा इन्ना बर्डन सी ना, पर आज मैं किसी काम ते नहीं जान वाला। आप करता अपना फोन आ स्विच ऑफ हूँ, नव्या नव्या जिन्नी मर्जी कॉल कर ले मैं नहीं चला कितने। भाई लिया दो प्लेट पूड़िया। कमाल की बात है, नॉट रीचेबल, इसका कॉल क्यों नहीं मिल रहा। ये तो प्रसन्न की कार है, पड़ गया छापा, शाबाश, इसीलिए मेरा फोन नहीं उठाया जा रहा था। हेलो मुनीस सर, सारा क्रू लेके पहुंच जाओ सेंट्रल ग्रीन फूड बाजार। हाँ हाँ वही वही लाडो वाली रोड पे है जो। बस बस पहुंच जाओ सारा क्रू लेके पहुंच जाओ वहाँ पे हैं। पता नहीं कहाँ पे बैठा है ये, अंदर जाके ही देखना पड़ेगा। कार तो इसकी यहीं खड़ी थी, अब मुझे समझ में आया कि ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था। तो आज पकड़ा गया है, मारते हैं आज सीबीआई की तरह छापा, देखते हैं कहाँ पे बैठा है। फोन स्विच ऑफ करके इसको तो मैं यहाँ तो नजर नहीं आया। Come on guys, let's check कहाँ पे है प्रसन्न प्रसून। अभी पकड़ते हैं इसको जाके जरा, वो बैठा है। भाई पूरी बहुत टेस्टी है यार, बहुत टेस्टी है। पूरी तो यार एंड खान दे यार। Excuse me, कदो तू मेरा पीछा छड़ूंगी। वो क्या कहते हैं प्रसन्न, क्या कहते हैं, जहाँ पे पब्लिक वहाँ पे गपशप की टीम। चलो फिर चलो। हल किया है इरशाद इरशाद। संडे दी छुट्टी ते रिलैक्स परी चुस्की चाह दे नाल। वाह 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 वाह। संडे दी छुट्टी रिलैक्स परी चुस्की चाह दे नाल। वाह वाह। दुनिया भर दियां खबरां ते एंटरटेनमेंट न्यूज़ नंबर ते गप शप दे नाल। क्या बात है, वाह 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 प्रसन्न छा गया तू तो। वैसे तेरी शेर व शायरी सुन के मुझे भी एक शेर याद आ रहा है। इरशाद इरशाद। बात करे पंजाब की तो बिना खाने के उसकी बात रह जाती है अधूरी। वाह वाह। बात करे पंजाब की तो बिना खाने की उसकी बात रह जाती है अधूरी। नाश्ता हो संडे का तो यहाँ सबकी पहली पसंद है कचौरी और पूड़ी। हाय हेलो सत श्री अकाल नमस्ते, वेलकम टू अनदर एंटरटेनमेंट फन ते मस्ती भरिया एपीसोड ऑफ गपशप। मैं हाँ थोड़ा होस्ट दोस्त प्रशांत जीत, मेरे नाल है नव्या बैरी जो अगे दियां लाइंस है कैरी। तो दोस्तों और प्रसन्न, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि हमारी कंट्री में कुछ बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक हुआ है। आप सभी को पता है कि GST इम्प्लीमेंट हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। बट प्रसन्न मैंने एक चीज़ नोटिस की है, लोगों में इसको लेके हवा कुछ ज़्यादा ही है। मतलब मेरे घर पे तो ना एक साल का पूरा राशन ला के रख दिया गया है GST लागू होने से पहले, और मुझे समझ नहीं आ रहा लोग इतना डर क्यों रहे हैं। देख नव्या, लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज अ डेंजरस थिंग। आज जो तुसी हवा बनाया है ना GST का, इन्ना बड़ा हवा नहीं है। हर चीज़ महंगी नहीं हो रही, कुछ चीज़ा सस्तियाँ भी हो रही हैं। पहले भी असी GST पे करते आ रहे हैं इन फॉर्म ऑफ सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, फलाना टैक्स, ढिमकाना टैक्स। सो जस्ट आपा एदा एक कॉम्बिनेशन ही उन पे करना। मैंने तेरी नॉलेज तो टेस्ट कर ली कि तुझे कुछ ज्यादा ही पता है अबाउट GST, बट लेट्स चेक कि यहाँ जलंधर के लोगों को कितना पता है GST के बारे में। लेट्स चेक ते देखते हैं फूड बाजार च बैठे लोगों च कितनी क GST बारे नॉलेज है। So, दोस्तों आज हम हैं सेंट्रल ग्रीन फूड बाजार जलंधर में, जहाँ पे लोग खाने पीने और अपना वीकेंड एंजॉय करने आए हैं। जी हाँ बिल्कुल, ते असी करांगे इन्हां नाल मस्ती भरी गपशप, ते पुछांगे इन्हां कोल एक ट्रिकी जा सवाल जो सानू लिख भेजा है पलक ने फ्रॉम हुशियारपुर। आओ चलो चलो जी गलबात करते हैं इत्थे बैठे लोगों के नाल, करते हैं कुछ मस्ती वाली गपशप, तो देखते हैं लोगों का GST बारे की कहना है। आओ मेरे नाल। सत श्री अकाल मैम, असी गपशप की टीम तो हाँ, तुसी कित्थों दी आए हो?
ਇੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨੀਰੂ ਸਹਿਗਲ ਨੀਰੂ ਸਹਿਗਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਮ GST ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਪਤਾ ਹੈ ਸੂਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਬ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ GST ਨਾਲ ਸੂਟ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਆ ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ GST ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ PM ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਵੂਮੈਨਸ ਕੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ वुमेन के लिए सब कुछ फ्री क्यों हम कहाँ जाएं फिर हम कहाँ जाएं हम गुरुद्वारा चले जाएं मैम से पूछते हैं क्वेश्चन मैम साडा एक ट्रिकी सवाल हुंदा जो असी हर वाली पूछते हैं साडे जेडे ऑडियंस है साडे व्यूअर्स है वो सानू लिख के भेजते हैं सवाल सो सवाल ये है जी अगर एक जहाज़ है वो इंडिया दे पाकिस्तान दे बिल्कुल बॉर्डर दे उत्ते आके क्रैश हो जाता बिल्कुल बॉर्डर दे उत्ते ओके ते ओदे जेडे पैसेंजर्स है जेडे ਪੈਸੰਜਰਸ ਬਚ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਫਨਾਏ ਜਾਓਗੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੈਗੇ ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਦਫਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦਫਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਆ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ LOC ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਮੈਡਮ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਂਗ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੋ ਚਲੋ ਪੁੱਛਤੇ ਹੈ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਲੋਕੋ ਸੇ ਔਰ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੇ ਆਂਸਰਸ ਕਹਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੋਤੇ ਹੈ ਸੋ ਲੈਟਸ ਕਮ ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਹੈਲੋ ਸਰ ਯੋਰ ਨੇਮ ਸੁਲਭਾ ਅੰਕੁਸ਼ ਤੋ ਚਲੋ ਪੁੱਛਤੇ ਹੈ ਇਨਸੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਰ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੇ ਆਂਸਰ ਸਹੀ ਹੋਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਲੀਜੀਏ ਇੱਕ ਏਅਰਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਪੇ और जो बचे लोग हैं उन्हें कहाँ दफनाया जाएगा कहीं भी दफना देंगे मरे हुओं का क्या है जब जिंदा ही आपस में लड़ रहे हैं जमीन जमीन रहेगी कहीं भी दफना दो कोई फर्क नहीं अरे क्या बात है तो हमारे को बाउंड्री लेस रहना चाहिए बट सर वैसे आंसर ये हमारा गलत हो गया है इसके लिए आंसर सही जानने के लिए आप हमारी वीडियो देखिए जिससे आपको पता चलेगा कि राइट आंसर क्या है सो थैंक यू वेरी मच ओके सो प्लीज इंजॉय योर फूड थैंक यू सो मच ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ GST ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਸੋ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੂੜੀਆਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਸਰ ਓਕੇ ਆਰਡਰ ਹਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ GST ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ PM ਨੇ GST ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਇਹ GST ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ GST ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ GST ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪਤਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕੀ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਦਫਨਾਏ ਜਾਊਗੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਮੈਨ ਲੈਂਡ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨੋ ਮੈਨ ਲੈਂਡ LOC ਮਤਲਬ LOC ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ ਨੋ ਮੈਨ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੰਜਰ ਬਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਨੋ ਮੈਨ ਲੈਂਡ 'ਚ ਦਫਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਸਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਂਸਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੋ ਚਲੀਏ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕੋ ਸੇ ਬਾਤੇਂ ਔਰ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ GST ਅਪਲਾਈ ਹੋਣੇ ਪਰ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇ ਹਮਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੇ ਆਂਸਰਸ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੇ ਸੋ ਵੀਵ ਗੋਟ ਸਮ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਊਟ ਹੇਅਰ ਹਾਈ ਵਾਟਸ ਯਰ ਨੇਮ ਸ਼ੈਲਜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ तो आपको तो पता ही है GST अप्लाई हो गया है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट यू फील कि गर्ल्स के लिए इसमें कौन सी ऐसी प्रिविलेज होनी चाहिए थी GST में जो आप फील कर रहे हो कि यस ये तो होने चाहिए था GST अप्लाई होने पे हमारे मेकअप का सामान हमारा पार्लर जाने का सारी सर्विसेज वहाँ जो मिलती हैं वो सब रीजनेबल होनी चाहिए ऑल राइट तो आपको GST का फुल फॉर्म मालूम है गुड्स एंड सेल्स सर्विसेज टैक्स गुड इन्हें GST का फुल फॉर्म मालूम है तो माई क्वेश्चन टू यू इज़ कि मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक प्लेन क्रैश हो जाता है तो बचे हुए लोगों को कहाँ दफनाया जाएगा
इंडिया में या पाकिस्तान में? इन बिटवीन। हमें अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ नहीं मिल पाया है, सो सॉरी, बट चलो हम लोगों को आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। हुण साडे नाल ने जलंधर फूड बाजार दे मैनेजर, आओ करते हैं इन्हां नाल गलबात। सर तुहाडा नाम? अश्विनी शर्मा। अश्विनी शर्मा सर, तुहाडी उम्र की है सब तो पहले ये दस्सो? मेरी 62। 62 उम्र, एंड सर इन्ना ज़्यादा क्राउड वाला रेस्टोरेंट संभालना अपने आप च एक बहुत वड्डी गल है सर, तुहानू बर्डन नहीं महसूस हुंदा? नहीं हुंदा, आदत बन गई है। आदत बन गई है सर, सच्ची तुहानू रिस्पैक्ट नाल मैं सल्यूट करदा कि तुसी इन्नी उम्र विच भी ये काम कर रहे हो, ये जिम्मेवारी वाला काम कर रहे हो। सर जिदा कि तुसी जानते हो कि GST एप्लीकेशन च आ चुका है, साढ़े PM ने GST नू एप्लीकेशन च लिया है, कि कोई फर्क पिया है इतने GST का? सानू कोई फर्क नहीं पिया। कोई फर्क नहीं पिया? लोगों ने, किसी कस्टमर ने हले आके कहा कि GST ना कोई फर्क? नहीं नहीं, किसी ने किया, किसी ने हले तक इन्हों GST बारे कुछ नहीं किया। सो अगर सर तुहानू एक दिन ली इंडिया का PM बना दिता जाए तो तुसी की चेंज? कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट क्लास चलता पे इंडिया अपना। फर्स्ट क्लास चलता पे इंडिया अपना, कहते कोई चेंज नहीं लिया, फूड में कोई चेंज नहीं? ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इंटरैक्टिंग विद अस। करते हैं कुछ होर लोगों के नाल गलबात, जानते हैं कि GST नाल उन्होंने की फर्क पिया। हाँ याद रखियो साडा हले ट्रिकी वाला क्वेश्चन भी पिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ओके सर, तुहाडा नाम? राजीव। राजीव कितों के रहने वाले? बॉम्बे। बॉम्बे तो स्पेशल इतने पूड़ियाँ खाना है सवेरे जी? हाँ। ट्रेन फड़ के? नहीं, प्लेन फड़ के। प्लेन फड़ के, ओके सर। तुहानू जिदा पता है कि रीसेंटली GST जड़ा है वो एप्लीकेशन च आ चुका है, साडे मोदी सर ने GST नू एप्लीकेशन च लिया है, कि तुहानू GST दी फुल फॉर्म पता है? नहीं पता मैनू GST दी फुल फॉर्म। नहीं पता? ओके, इत्थे किसी नू बैठे नू पता है GST दी फुल फॉर्म? ट्राई वंस। जनरल सम सेल्स टैक्स और समथिंग कुड बी दैट। ओके, जनरल इज सर्विस टैक्स इज राइट, जनरल इज रॉन्ग। मुझे अब तक अपने क्वेश्चंस का राइट आंसर किसी से भी नहीं मिला है, तो लेट्स चेक कि अब मुझे फाइनली मिलता है सही आंसर या नहीं। ओके, सो हाय एवरीवन, आप सबके नाम? वीना गुंबर। जीनत गुंबर। असीम गुंबर। के गुंबर। तो मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि एक प्लेन जा रहा है, वो क्रैश हो गया इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, तो बचे हुए लोगों को कहाँ दफनाया जाएगा, इंडिया में या पाकिस्तान में? दफनाया जाएगा। यही मेरा आंसर था, बिल्कुल सही। तो इनका आंसर होता है बिल्कुल राइट। यस, मुझे मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर मिल गया है, प्लीज इनके लिए गिफ्ट लाया जाए। इत्थे मैनू कुछ होर लोग देख रहे हैं, आ जाओ करते हैं उन्होंने गपशप, देखते हैं GST के बारे उन्होंने की नॉलेज है या ट्रिकी क्वेश्चन वो सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। आओ इन्हों को पूछते हैं कुछ क्वेश्चन GST बारे जानकारी। सर तुहाडा नाम? अनिल खन्ना। सर तुहाडा नाम? अक्षय सोनी। सर जिदा कि तुहानू पता है कि साढ़े PM ने GST नू एप्लीकेबल करता है, तो GST नाल की तुहानू कोई फर्क पिया? सर कोई फर्क नहीं पिया, एक्चुअली लोगों को हले ना ये बारे नॉलेज नहीं हैगी, इस करके हर बंदा डबल माइंडेड है, क्योंकि हर बंदा अज की तरीक दे विच चेंज तो डरदा। जिदा एक कहावत है ना कि कहिंदे कि अ मैन फेयर्स फ्रॉम द चेंज एज ए चाइल्ड फेयर्स फ्रॉम द डार्क। अंधेरे दे विच बंदे नू डर लगता, बत्ती जगा दिओ ते नेरा खत्म, ते डर खत्म हो जाता, ठीक है ना। जो तक इंप्लीमेंट नहीं होया तद तक सारे बंदे सी यार कि साडा महंगा हो गया, सस्ता हो गया, जो इंप्लीमेंट हो गया हफ्ते 10 दिन सब कुछ क्लीयर हो जाएगा। पर सर ये तो पक्का है कि जड़ियाँ जनानियों के सूट आ वो महंगे होने वाले, उनके नाल कोई फर्क पेगा? सर जनानियों को कभी कोई खुश नहीं कर सकता। अच्छा सर मैं थोड़े को पूछना चाहवागा कि जे एक दिन लई तुहानू इंडिया का PM बना दिता जाए, जिदा मोदी जी ने कोई चेंज लिया, कि तुसी कोई चेंज लियाना चाहोगे? कोई भी एक दिन लिए तुसी इंडिया दे PM बन गए। टैक्स रिड्यूस करना चाहते यार, कुछ वधिया करना है, कहना ही चॉकलेट फ्री कर दूंगा मैं, कोई क्रिकेट खेल लूंगा, क्रिकेट लिए कुछ करूंगा। चलो ठीक है सर, साडा एक ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, एक प्लेन है वो इंडिया ते पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर के उत्ते आके क्रैश हो गया, ठीक है जी, जेडे बचे हुए पैसेंजर है वो किधर दफनाए जाओगे, इंडिया या पाकिस्तान? दफनाए कर ली जाएंगे, जे प्लेन पाकिस्तान का होएगा तो पाकिस्तान, जे प्लेन इंडिया का होएगा तो इंडिया। इन्हों का की कहना है सुनो, जो बच गए वो अपने घर जाएंगे, दफनाए क्यों जाएंगे वो?
जेड़े बच गए वो अपने घर जाऊंगे, दफनाए क्यों जाऊंगे सर? तुसी ये क्वेश्चन सॉल्व किया, मैं तुहानू गिफ्ट देना चाहूंगा। कम लेट्स गो। हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? रूही। तो आपको क्या लगता है जीएसटी अप्लाई होने से आप देख रहे हो कि मार्केट में या रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी कुछ फर्क पड़ा है? वैसे सेंट्रल ग्रीन में आके मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जीएसटी का लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, बट फिर भी आपकी क्या ऑब्जर्वेशन कहती है? मुझे तो नहीं लगता, अभी फिलहाल तो कुछ नहीं ऐसा डिफरेंस लग रहा, बाकी लेट्स सी आगे क्या होता है। ओके, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक प्लेन हो जाता है क्रैश, अब जो बचे हुए लोग हैं उन्हें कहाँ दफनाया जाएगा, इंडिया में या पाकिस्तान में या बॉर्डर पे? बचे हुए लोगों को क्यों हम दफनाएंगे? यस यस, ये मिल गया हमें राइट आंसर, थैंक यू। अदरवाइज लोग बचे हुए लोगों को भी कहीं तो दफना ही रहे थे, इतनी देर से हम लोग उनसे पूछ रहे थे। तो हमारे पास हमारे विनर है, प्लीज इनके लिए गिफ्ट लाया जाए। और जैसे कि आप सभी को पता है कि स्कोर चल रहा है 3-0, अब देखना ये है कि स्कोर 4-0 होता है या 3-1 होता है। आज मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आज करके ही दिखाना पड़ेगा यार, प्लीज जितो, मेरी टीम जितो। कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट, मेरी विशेस तेरे साथ है, देख लेते हैं कौन जीतता है। हेलो सर, सर तुम्हारा नाम? पारस। पारस, मैनू लगता है तुसी काफी फिटनेस वाले बंदे हो, तुसी यार मैनू प्लीज एक कुड़ी तो गेम च जिताना है यार, मैं बहुत दिन तो हार गया यार, तो प्लीज कीड़ी गेम है दसो जी। सर गेम मैं तुहानू हुणे दसदा, तुसी मेरे नाल चलो, देखदे आ नव्या दा कंटेस्टेंट कौन है, अज तां उहनू जरूर हराऊंगा। तो प्रसन्न को लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, पर मैं उससे थोड़ी ज्यादा स्मार्ट हूँ, क्योंकि वो जिनको लेके आया है मैं उनकी कमजोरी को अपना कंटेंडर बना के लाई हूँ, जो है उन सर की वाइफ। तो मैम रेडी हो आप? यस। ईस्ट और वेस्ट? गर्ल्स आर द बेस्ट। यह चलो गेम खेलते हैं। सो ए है जी साडा गेम राउंड, एदे विच करनी है ए बॉटल स्टैंड स्पिन करके, जेड़ा इस नू पहले स्टैंड कर पाया वो जीतेगा, देखदे हां कौन पहले स्टैंड कर पाउंदा। 1 2 3 स्टार्ट। चुका है 4-0। ईस्ट और वेस्ट नाम एक बार जोर से कह दो, गर्ल्स आर द बेस्ट। ये एक बार फिर मेनू हारता, सर तुसी मेनू क्या सी तुसी जिताओगे? चाहे जो मर्जी हो जाए घर पे, बीवी बीवी होती है, जो मर्जी हस्बैंड हो, चाहे वो जहाँ मर्जी का प्राइम मिनिस्टर हो, जो मर्जी हो, पर वो घर पे उस बीवी का हस्बैंड ही होता है। हुण मनना पैना, वोटी वोटी होंगी है। ठीक है भाजी। मैं कब जीतूंगा? बहुत हंसी आ रही है। मैं कब जीतूंगा? मैं कब जीतूंगा? अच्छा मुझे एक बात बता, हस्बैंड और वाइफ में से कौन जीतता है हमेशा, चाहे कोई आर्गुमेंट हो, चाहे कुछ भी चीज हो, मैं कहती हूँ एबीसी जो मर्जी हो, कौन जीतता है हमेशा? वाइफ। फिर साडे एक होर एक्साइटिंग एपिसोड दा एंड। इसको मैं थोड़ा चेयर अप कर दूंगी, थोड़ा सैड हुआ, इसको जरा कुलचे नान भटूरे खिलाते हैं, अभी हम ठीक हो जाएगा। अगर तुसी सानू कोई भी सुजेशन लिख भेजना चाहते हो या सानू कोई ट्रिकी क्वेश्चन भेजना चाहते हो तो जाओ साडी ईमेल पे जो कि है social@newsnumber.com। आप हमें यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है न्यूज नंबर विदाउट स्पेस, और हमारे फेसबुक पेज का नाम है न्यूज नंबर फ्लैश। सो करिए एंडिंग एज ऑलवेज। यस जरूर जरूर। पैने आ भंगड़े होने ने मुंह कई लक, घूमांगे कई थावा ते पावांगे खप, जस्ट कीप ऑन एंजॉयिंग गपशप।